लग रहा है। यहाँ नॉर्मल सा एक घर बना हुआ है एंड आस पास ट्री लगे हुए हैं एंड बस कुछ ही नहीं है यहाँ तो। क्या है अबे गाइस तुम लोग देख रहे हो अगर मैं। हेलो गाइस, तो भाई कैसे हो तुम सब लोग। तुम सब लोग का दोबारा से स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल हेल बर्नर गेमिंग में। और भाई आज मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कुछ इल्यूजन्स बना के दिए हैं माइनक्राफ्ट में एंड उसने कहा है कि आज मैं गंदे तरीके से चौंकने वाला हूँ। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि यार उसने माइनक्राफ्ट में दिए हैं एंड माइनक्राफ्ट के डब्बा ग्राफिक्स की वजह से उसे इल्यूजन्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी। बट लेट्स सी कि उसने कैसे इल्यूजन्स बनाए हैं। सो गाइस फाइनली यार मैंने अपने इल्यूजन्स वाला वर्ल्ड कर लिया है। ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा ऑसम वाला लुक दे रहा है बट अपन देखते हैं कि रियली में भी उतना ज्यादा ऑसम है या नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके अपने नंबर वन इल्यूजन पे एंड यार ये व्हाट, अबे ये तो एक नॉर्मल सी वॉल है, इसमें काहे का इल्यूजन। एक सेकंड गाइस अगर तुम इस वॉल को ध्यान से देखोगे तेरी वॉल थोड़ी सी टिल्टेड सी लग रही है भाई। असलियत में यार माइनक्राफ्ट की तो लोगों ने रेड कूट के रख दिया। अभी देखो माइनक्राफ्ट में सर्कल्स नहीं होते लेकिन अगर तुम यूट्यूब पे डाल के देखोगे कि सर्कल्स इन माइनक्राफ्ट तो भाई अनगिनत बंदों ने माइनक्राफ्ट में सर्कल्स ला दिए। अभी कहते हैं कि माइनक्राफ्ट में स्ट्रेट लाइंस ही होती लेकिन अभी यहां देख लो माइनक्राफ्ट में टेढ़ी लाइंस भी आ गई। भाई माइनक्राफ्ट भी लाइक मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाई अगर ये इल्यूजन हो तो कसम से भाई दिल जीत लिया, क्या गंदा इल्यूजन बना है। बट अगर ये उसने मॉड या फिर कमांड से बना तो भाई मैं उसको पटक के मारने वाला हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करा एंड ये हो गया बस काम, इतना तगड़ा इल्यूजन, बस ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एंड गाइस फाइनली अपना ये ओपी वाला इल्यूजन देखने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड नंबर के इल्यूजन पे एंड वो ये क्या है, ये एक बीकन बड़ा है एंड उस साइड वाले एक बीकन छोटा है। गाइस मैं समझ चुका हूँ उसने ये बड़े वाले बीकन को कमांड से बड़ा कर दिया, छोटे वाले को कमांड से छोटा कर दिया। बट यार इसके अंदर इल्यूजन जैसा क्या है, यहाँ कुछ लिख भी रखा है विच वन इज बिगर। सो गाइस उसने यहाँ पे अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों बीकन में से बड़ा कौन सा है लेकिन कोई जिसको ये पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से बड़ा बीकन कौन सा है। मुझे तो साफ वेट अ मिनट गाइस मैं समझ चुका हूँ इसकी ट्रिक है ये। गाइस क्या है, वो जो पीछे छोटा वाला बीकन है ना वो बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है तो अपन को वो ज्यादा छोटा लग रहा है लेकिन वो जो छोटा वाला बीकन है वो असलियत में बड़ा है एंड जो बड़ा वाला बीकन है ज्यादा पास रखा हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है बट ये छोटा है। समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं समझ, लेकिन भाई मैं तेरे जाल में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मैं चूज करता हूँ पीछे वाला बीकन ज्यादा बड़ा है, तुम लोग ये वाला बीकन भी। ओ मैं समझ गया गाइस, उसने इनका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करा है कि ये दोनों बीकन सेम साइज के बट ये आगे इसलिए बड़ा लग रहा है वो पीछे इसलिए छोटा लग रहा है। भाई सच्ची में यार मैंने तो अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसने तो बढ़िया बढ़िया इल्यूजन बना दिया। वो गाइस फाइनली अपन लोग अपने थर्ड इल्यूजन पे आ चुके हैं यार। ये इल्यूजन कुछ अजीब सा इल्यूजन है, तुम लोग को पता चल रहा होगा कि जो पीछे वाली लाइन है वो यहाँ से ऊपर आ रही है, जो ऊपर जा रही है लेकिन फिर ये वापस उससे कनेक्ट हो जा रही है। लिटरली यार ये इल्यूजन समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या क्या बना दिया है। सेकंड क्या हो सकता है, वो गाइस उसने ये चीज कनेक्ट ही नहीं कर रखी लेकिन अपन को उसने ऐसी जगह पे खड़ा करा है जहां से अपन को ऐसा लग रहा है कि ये चीज जुड़ी हुई है। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इल्यूजन एंड वो फिर ये कैसा अजीब सा इल्यूजन है ये इल्यूजन भी। हां गाइस अगर तुम लोग ध्यान से देखो जो अंदर वाली लाइन है ये बाहर की तरफ को आ रही है या फिर अंदर की तरफ को, गाइस एक साथ एक टाइम पे देखते तो बाहर की तरफ आ रही होती है एंड उसी टाइम पे अंदर की तरफ जा रही है। भाई क्या चीज है, ये उसने बनाया कैसे इसे अंदर की तरफ जाती हुई लाइन एंड वे। अरे गाइस ये सेम लेवल पे है। एंड गाइस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इल्यूजन एंड ये वाला इल्यूजन मैंने देख लिया, ये तुम लोग के लिए। गाइस अब तुम लोग बताओ, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा ना कि जो राइट साइड वाली ऑरेंज की लाइन है ये ज्यादा डार्क है लेफ्ट साइड वाली से। गाइस मुझे भी लिटरली ऐसा ही लग रहा है बट गाइस अगर अब मैं इसको ऑरेंज वाली कॉन्क्रीट से ज्वाइन कर दूंगा तो तुम लोग को सेम ही लगेगा, भी देख लेना। गाइस तुम लोग भी देख सकते हो कि राइट वाली लाइन डार्क एंड ऑरेंज कलर से मैच हो रही है, लेफ्ट वाली लाइन कलर से मैच हो रही है बट ये लाइट एंड डार्क का फर्क अभी भी है। भाई लिटरली मेरी आंखों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, लग रहा है भगवान ने आंखों की जगह बटन दे दिए। एंड गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट इल्यूजन पे। एक सेकंड ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि दो साइड से बाहर की तरफ आ रहा है दो साइड से अंदर की तरफ जा रहा है। भाई यार ये तो गंदा इल्यूजन है बट आई थिंक ये प्लेन। हाँ गाइस सब बन रखा है बट अपन को ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही टाइम को अंदर की तरफ जा रहे हैं दूसरे टाइम को बाहर की तरफ जा रहे हैं। गाइस अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को ऐसा लग रहा हो कि जो ब्लू वाली लाइन है
वो ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन के नीचे से जा रही है। ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये उसके नीचे से जा रही है। भाई लिटरली यार बढ़िया इल्यूजन बना दी है इसने तो। एंड गाइस अब इसने मुझे एक इल्यूजन दिया है जो कि दूसरे ही वर्ल्ड में बना के दिया। एंड उसने कहा है कि लिटरली वाला इल्यूजन तो मुझे बिलीव ही नहीं होने वाला, इतना ज्यादा खतरनाक है वाला इल्यूजन। सो गाइस यार फाइनली उसने मुझे जो न्यू वाला वर्ल्ड दिया था एक बढ़िया वाले इल्यूजन के लिए वो मैंने लोड कर लिया है। एंड यार उसने कहा है कि लिटरली ये वाला इल्यूजन मेरे इनके सेल्स को ही मार देगा। सो गाइस अपन वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड यहां मुझे कुछ भी इल्यूजन जैसा तो 1% भी नहीं लग रहा है। यहाँ नॉर्मल सा एक घर बना हुआ है एंड आस पास ट्री लगे हुए हैं एंड बस कुछ ही नहीं है यहाँ तो। क्या है अबे गाइस तुम लोग देख रहे हो अगर मैं अपना स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पूरी कैसे चेंज हो रही है। बेसिकली ये कोई इल्यूजन थोड़ा है, तो ग्लिच है यार साहब। तो इसकी टेस्ट भाई ये चेंज हो जाए अपना गाइस। अबे ये अभी चिकन को क्या हो गया भाई? चिकन ऐसे कैसे एक सेकंड रे यार। अबे तेरी अबे ये ओ भाई क्या गंद सच में। अरे इल्यूजन तगड़ा ही बनाया गाइस उसने, ये चीज को टेढ़ा करके बनाया है भाई। पूरा फुल ऊपर से दिखाता हूँ गाइस, देखो तुम लोगों ने इसने कैसे बनाया है भाई ये पूरा का पूरा। मैं तो एक सेकंड के लिए चौंक गया था कि यार उसने पूरा गेम ही ग्लिच कर दिया, बट नहीं यार। तो गाइस ऐसे ही मजेदार इल्यूजन वाली वीडियो तुम लोग को और भी चाहिए तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताना। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतने इल्यूजन काफी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इसकी तो पैंस की टैंग निकल गया।